हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फूड गुड विद वन। फ्रेंड्स, आज जो डिश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आई नो मैक्सिमम लोगों के घरों पर यह डिश बनती होगी, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे पर्सनली और कुछ ने यूट्यूब पर मैसेज किया है कि मैं यह डिश बनाऊं और इसकी वीडियो अपलोड करूं। इसलिए आज मैं यह डिश की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस डिश का नाम है पोहा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पोहा बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई को गैस पे रखा, गैस ऑन किया, देन हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। अभी ये हमारी ऑयल गर्म हो गई है तो हम इसमें ऐड करेंगे इतना मोटे सरसों के दाने। इसमें महीन वाली राई नहीं यूज होगी, इसमें जब यूज होगा सरसों का दाना यूज होगा। हमारी राई चटकने लगी, देन हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी साइज की हरी मिर्च, 1 हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा मीडियम साइज का आलू कटा हुआ, ये इक्वल साइज में होना चाहिए। आई नो फ्रेंड्स, मैक्सिमम पोहे में आलू यूज नहीं होता है, मैं वैसे भी पोहा बनाती हूँ, पर मेरे लिए आलू डले हुए पोहे को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपको ये आलू वाला पोहा की रेसिपी बता रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक, हल्दी, ये बिल्कुल थोड़ा होगा ताकि हमारे पोहे में कलर आ जाए, और साथ ही थोड़ा सा नमक। अभी हम आलू के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालते हैं, बाद में जब हम पोहा हमें ऐड करनी होगी उससे पहले हम थोड़ा सा पोहे के अकॉर्डिंग और ऐड करेंगे सॉल्ट। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। आलू की साइज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा बड़ी आलू इसमें हम नहीं काटेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसे ओपन करेंगे। हमारी आलू थोड़ी सी फ्राई हो गई है, जब ये हल्की फ्राई हो जाए देन हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/2 मीडियम साइज का कटा हुआ अनियन। और साथ ही हम ऐड करेंगे ये मीठी नीम के पत्ते। फ्रेंड्स, पहले से इसे तड़के के समय ऐड करने से इसका टेस्ट खत्म हो जाता है, तो इसलिए मैं इसे अभी में ऐड करूंगी। अब हम इसे एक बार और ढकेंगे और 1 से 2 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे। 1 मिनट हो गया फ्रेंड्स, हमारी प्याज भी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोई भी गरम मसाला, बिल्कुल लाइट फ्लेवर के लिए, बस इतना सा। एक बार हम चेक करते हैं हमारा आलू हो गया है नहीं। हाँ फ्रेंड्स, आलू बिल्कुल अच्छे से पक गया है। जब हमारा आलू पक जाए तो हम इसमें थोड़ा सा ये सॉल्ट जो पोहा के अकॉर्डिंग और ऐड करते हैं, और इसके साथ ही हम ऐड करते हैं बिल्कुल थोड़ा सा ये शुगर, बिल्कुल थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार बस थोड़े देर के लिए हम और ढक देते हैं ताकि ये शुगर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और गल जाए, हमारे पोहे में इसकी किरकिराहट ना रहे। फ्रेंड्स, 1 मिनट बाद हम इसे इस कवर को हटाएंगे, हमारी शुगर अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पोहा। फ्रेंड्स, ये मैंने पोहा लिया था 1 कटोरी बड़ी कटोरी, और इसे 10 मिनट पहले मैंने पानी से धुल के रख दिया था, ये अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये नींबू,
का रस, ये थोड़ा नींबू का रस डाला हमने, सॉरी ये सीड है, थोड़ा नींबू का रस और साथ में ये हरी धनिया, और इसे हम अच्छे से अगेन मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे नींबू का रस और ये जो धनिया पत्ती है अच्छे से मिक्स हो जाए। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पोहा रेडी है। लास्ट में इसे सर्व करते समय हम इसे सेव और भुनी हुई मूंगफली के दाने ऐड करके फिर देते हैं, वो भी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरे स्टाइल में मेरा पोहा रेडी है। इसे मैंने सेव और भुने हुए मूंगफली के साथ में गार्निश कर दिया है। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए। हो सकता है मेरा ये बनाया हुआ पोहा आपको और पोहे से थोड़ा सा डिफरेंट लगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये डिश पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।